दो बादशाह अफगानिस्तान से अंग्रेज अपने समय में यहाँ पे लाए जी थे। कई कारण थे उनके, क्योंकि कई बार तो सिविल वॉर चल रही थी अफगानिस्तान में आपस में बादशाहों की और कबीलों की, तो अंग्रेज भी अपना उनका अपना इंटरेस्ट और अपना हित देखते थे। तो उन्होंने वहाँ पे कभी किसी को अपनी कठपुतली को राजगद्दी में बिठाते थे, कभी किसी को नहीं बिठाते थे। कई बार अंग्रेजों का भी वहाँ पर बहुत कत्लेआम हुआ, तो इसलिए तत्कालीन जो उस समय अफगानिस्तान में बादशाह था ये मोहम्मद दोस्त मोहम्मद खान, तो उसको यहाँ पे पहले लुधियाना लाए अंग्रेज और उसके बाद उसको मसूरी में रखा। लगभग एक साल वो यहाँ रहा और जहाँ पे आज ये एलन स्कूल है ना, यहाँ यहाँ पे एक राजा की कोठी थी उसमें उसको रखा गया। वो इसीलिए उस जगह को आज भी बाला हिसार कहते हैं, क्योंकि बाला हिसार जो वर्ड है वो पश्तो वर्ड है, अफगानिस्तान की ऑफिशियल जो जगह है ना रहने की, जैसे जो उनका महल होता है उसको, वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ कोई किला हो तो उसको पश्तो में बाला हिसार कहते हैं। तो वो वहाँ पे उसको रखा गया, लगभग एक साल 13-14 महीने उसको यहाँ रखा गया। और उसके बाद फिर इनकी आंतरिक लड़ाइयाँ होती रही वहाँ पे अफगानिस्तान में, और फिर एक बार फिर एक दूसरे राजा को जो उसी के ख़ानदान के थे ये याकूब खान को, इनको मसूरी लाया गया और 1880 में इनको यहाँ मसूरी में रखा। और विंटर में जाड़ों में उनको देहरादून में रखते थे और गर्मियों में वो यहाँ रहते थे। पॉलिटिकल प्रिजनर थे वो, घूम फिर सकते थे, घोड़ा सवारी करते थे, जहाँ मर्जी उनकी जाती थी जहाँ जाते थे। और बहुत ज़्यादा उनके साथ जो कॉन्टिजेंट आया था वो बहुत बड़ा था, जो उनके साथ उनके वजीर आए थे, उनके सैनिक आए थे, उनके परिवार के सदस्य थे, वो सब लोग जो आए थे, तो उनका तो इसीलिए उन्होंने जो वैली व्यू कोठी है जो आज राधा भवन कहलाती है वहाँ पे उनको रखा गया। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे वहाँ पे अंग्रेज़ों की जो ट्रीटी हुई, अफगान इंडो अफगान ट्रीटी हुई है जो दूसरी हुई है, तो वो मसूरी में हुई थी 1920 में। तो उसकी यादगिरी में फिर उन्होंने यहाँ पे अफगानिस्तान के जो बादशाह थे ये मस्जिद बनाई जो गांधी चौक में, इसीलिए इसको रहमानिया मछली मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि 1920 में इसको लगभग 101 साल की हो गई है। और ये उस समय उस ट्रीटी को, जब संधि को याद करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कोई कोमेमोरेटिव डाक टिकट जारी होता है, तो उस समय उन्होंने ये मस्जिद बनाई और उसका पैसा अफगानिस्तान के बादशाह ने लगाया था। तो उसके बाद फिर ये देहरादून में रहे 1923 में इनकी मृत्यु हो गई, अपने देश वापस नहीं जा सके। लगभग आप कह सकते हैं 40-43 साल इंडिया में रहे, और ज़्यादातर उनका साल में 8 महीने मसूरी में रहते थे और 4 महीने वो देहरादून में रहते थे। और देहरादून में भी एक बालाहिसार जगह है, आज वहाँ स्कूल भी है देहरादून में बालाहिसार नाम का, और वो डालन वाला एरिया में कुछ परिवार उनका वहाँ रहता था, कुछ वहाँ पे रहे, ये इसी रोड पे इनके मकान थे। और इनका बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना व्यापक बृहत्तर परिवार था।